उफ, इतने देसी घी में भरे पराठे और इतने ऑयल में अंडा, ये असद भाई के लिए इतना हैवी नाश्ता क्यों बना रही है तू? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि असद की जिंदगी एकदम लाइट हो जाए। मतलब ये कि अगर चिकनाई नहीं होगी तो इंसान गड़े में कैसे फिसलेगा, और अगर गड़े में नहीं फिसलेगा तो मरेगा कैसे? इसीलिए ये सब तो करना पड़ेगा। कल तक तो बड़ा ख्याल रख रही थी तू उनका। कल तक मैं असद की बीवी नहीं थी, लेकिन आज आज मैं उसके बिजनेस में 50% की पार्टनर, और कल को मुझे 100% का मालिक बनना है। इसलिए ये सब कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना, हैवी खाना। और अगर असद भाई तुमसे ये बोले कि कल तक तो बड़े डाइट के मशवरे दे रही थी तुमने और आज इतना अनहेल्दी फूड खिला रही है। जैसे इंसान अपने गम में किसी की भी तलख बातें भूलता नहीं ना, वैसे ही इंसान अपनी खुशी में ये वादे भूल जाता है। तीर चलाना तो कोई तुमसे सीखे। तीर चलाना कमाल नहीं होता बेबी, तीर का निशाने पर लगना कमाल होता है, और वफा का निशाना चूक जाए ऐसा मुमकिन नहीं। जाके पराठों पे भी तेल डालो। है तो इसी रही है। कहाँ पड़ा कहाँ?